हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी। वेलकम बैक टू आवर ड्रीम लैंड चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज फिर से मेरा गार्डन का और एक प्लांट आप सबके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर इस चैनल पे आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। और आज का जो वेदर है वो कुछ इस तरह का है, घने बादल छाए हुए हैं चारों तरफ, तूफान आने वाला है आज ऐसा ही बताया गया है। जो साइक्लोन है उसका नाम है अम्फान। तो जितने भी फार्मर हैं, जो फिशरमैन हैं, जो लोग रोड साइड में रहते हैं उनके बारे में सोच रही हूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या करें, नेचर के साथ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी होप के साथ आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज आप सबके साथ जो प्लांट शेयर कर रही हूँ इसका नाम है क्रासुला ओवाटा, जिसको कॉमनली जेट प्लांट कहते हैं। और फेंगशुई में ये बहुत ही लकी माना जाता है, तो इसीलिए लकी प्लांट कहते हैं, लकी मनी प्लांट कहते हैं या मनी ट्री भी कहते हैं। और ये एक बहुत ही इजी ग्रोइंग लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका जो केयर है उसके बारे में चार इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है वाटर, लाइट रिक्वायरमेंट और इसका जो सॉइल मिक्सचर और इसका फर्टिलाइज़र। तो चलिए अभी उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। आज पहले इसके वाटर रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जब वाटरिंग करना है तो पॉट को पूरा भर के पानी देना पड़ता है, और इतना पानी देना है ताकि जो एक्सेस वाटर है वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। और हर रोज़ इसमें पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से ये प्लांट ख़राब हो सकता है, रूट रॉट का प्रॉब्लम हो सकता है। और बहुत कम पानी देने से भी इसका जो पत्ते हैं वो गिर जाता है। तो इसीलिए मेरा सजेशन है, शेड्यूल करके पानी देने के बजाय अगर हम लोग थोड़ा सा चेक करके पानी दें तो ही अच्छा है। जब इसका सॉइल थोड़ा ड्राई लगे तभी इसमें पानी देना चाहिए। यहाँ पे देखिए लोटस में और एक बर्ड्स आ गया है। कुछ दिन पहले ही दो फ्लावर खिला था जो कि मैं शेयर किया है मेरे चैनल पे। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और यहाँ पे देखिए, जो साइड में ही मैं जेट प्लांट को रखी हूँ, तो इसके लिए बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल लेना पड़ता है। तो मैंने जो सॉइल प्रिपेयर की है उसमें मैंने 70% सैंड, 20% गार्डन सॉइल और 10% मैं खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया हुआ है। वैसे तो ये प्लांट फुल सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, और शेडी एरिया में रखने से इसका जो ब्रांच है वो लेगी सा हो जाता है, जो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं टेरेस में गार्डनिंग करती हूँ, तो इसीलिए इस प्लांट को मैं ग्रीन नेट के नीचे रखी हूँ। जहाँ पर इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट मिलता है वहाँ पर ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ये जो प्लांट है ये तो इसके फोलियज के लिए ही फेमस है, इसमें ही इसका खूबसूरती है। तो इसीलिए अगर फर्टिलाइज़र की बात करूं, जाहिर सी बात है इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र पसंद है, जैसे कि काउडांग, सरसों की खली, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह का फर्टिलाइज़र। तो महीने में एक बार फर्टिलाइज़र डालने से इसका जो पत्ते हैं वो हरा भरा रहता है, और कभी कभार मैं इसमें बोन मील भी थोड़ा बहुत डाल देती हूँ। और इसमें अगर डिजीज़ की बात करूँ तो मैं मिलीबाग एक दो बार देखा है, तो मैं नीम ऑयल स्प्रे करती रहती हूँ रेगुलरली, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता है। और ओवर वाटरिंग की वजह से इसमें रूट रॉट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो अभी इसका प्रोपेगेशन की बात कर लेते हैं, यानी किस तरह से इसको ग्रो करना है। यहाँ पे देखिए कितने सारे नए ब्रांचेस निकल रहा है। लेकिन अगर कटिंग से ग्रो करना है तो थोड़ा सा मैच्योर ब्रांच होने से अच्छा होता है इस तरह का, क्योंकि नए ब्रांच से भी ग्रो होता है लेकिन मैच्योर ब्रांच होने से जो सक्सेस रेट है वो अच्छा रहता है। तो इस तरह सा कटिंग लेके ये देखिए ऐसा, और यहाँ पे नोड एरिया जो है
ये देखिए इसको कहते हैं नोड एरिया, ये जो है ये नोड एरिया है, तो इस तरह का नोड एरिया रहना चाहिए। तो इस तरह का कटिंग लेके अगर सैंड में लगा दिया जाए तो बहुत इजीली ये ग्रो हो जाता है। और ये जो प्लांट है ये सकुलेंट फैमिली से है, तो इसीलिए ये लीफ से भी ग्रो होता है। तो होप करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जेट प्लांट को लेके मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं थोड़ा बहुत इस वीडियो में शेयर किया, लेकिन फिर भी अगर किसी का कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।